दोस्तों भारत यात्रा के डे 23 में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम रुके हुए थे यहाँ पेट्रोल पंप पे और भाई जी को अभी नमस्ते बाय बोल के निकलते हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। और ये है अपना ठीक से मोनेस्ट्री ऊपर, जो कि हम आने के बाद एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमें चलना है हेमिस और वहाँ पहुँच के आज जो इवेंट है उसको सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे। और काफ़ी अच्छा लगा भाई लोगों के साथ, तो थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। चलते हैं अभी हेमिस, वापसी में मिलेंगे। ओके चलिए, थैंक यू, मिलते हैं वापसी में। ठीक, तो अभी चलते हैं, ये चला जाएगा हेमिस और ये चला जाएगा लेह की तरफ, तो हमें जाना है हेमिस की तरफ। चलो देखते हैं कोई लिफ्ट वगैरह मिलता है कि नहीं, ट्राई करते हैं और पहुँचते हैं हेमिस मोनेस्ट्री। तो अभी अंकल जी ने लिफ्ट दे दिया है आगे तक के लिए, कार उसे पहले तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, थैंक यू सो मच। कहाँ से आप? मैं गोरखपुर से। क्या कर रहे हैं? पूरा भारत यात्रा फ्री में? हाँ, ऐसे ही लिफ्ट और पैदल। अंकल को जल्दी था, फिर भी मुझे यहाँ तक छोड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी चल रहे हम अपने हेमिस मोनेस्ट्री की तरफ। तो अंकल ने मुझे कारों से 3-4 किलोमीटर पहले उतारा, क्योंकि उनको रिसीव करना था किसी को, इसलिए वो आए थे। और मेरे वजह से वो 5 मिनट लेट हुए उठाने बैठाने में, बात करने में, तो उसके लिए सॉरी भी और लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। और यहाँ से 8.9 किलोमीटर हेमिस मोनेस्ट्री, जो कि पड़ता है आगे ये काशीराम गांव, उसके बाद है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। वैसे तो पैदल दिखा रहा है मैप पे 2 घंटे, लेकिन ठीक है, ट्राई करते हैं और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो हमें कारू के आगे आने पे लिफ्ट मिल गई थी, माइक सर ने दिया, थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मोनेस्ट्री पे और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे पहुंच के, एक अलग ही वाइब दे रहा है ये मोनेस्ट्री। और माउंटेंस के बीच बना हुआ मोनेस्ट्री, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी माइक सर अपना बाइक पार्क करेंगे और फिर हम लोग जाते हैं साथ में ही। तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके भी, और ये ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। काफ़ी सारी चीज़ें इनसे बातें हुई इतने दूर में, 6 किलोमीटर जो हम लोग आए हैं। तो अभी चलते हैं आगे मोनेस्ट्री की तरफ और आपको यहाँ के बारे में बताते हैं और यहाँ पे जो होने वाला है उसके बारे में भी बताते हैं। अभी एक कैंपिंग के लिए ये जगह मिल गई है, इधर पहले कैंप लगाते हैं और फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं, तो आपको मोनेस्ट्री घुमाते हैं। तो फाइनली अपनी कैंपिंग हो चुकी है इधर, और मोनेस्ट्री है आगे की तरफ, ऐसे पूरा वो साइन दिया गया है कि हेमिस मोनेस्ट्री ले और जाना है। ये मेन गेट है, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ चढ़ के जाना है मोनेस्ट्री। और जो मेन फंक्शन है वो कल 17 तारीख को एक लामा जी का बर्थडे भी है, जो हमने बोर्ड पे देखा पीछे। तो अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर ही पता चल पाएगा हेमिस मोनेस्ट्री के बारे में। और मैं कुछ देखता हूँ, अगर गूगल पे भी मिल जाएगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करता हूँ और अपडेट करता हूँ। तो अभी चलो, सामान वगैरह तो अपना हो गया है अंदर, अभी चलते हैं अपना ये छोटा सा बैग लेके ऊपर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं हेमिस मोनेस्ट्री और आपको दिखाते हैं हेमिस मोनेस्ट्री। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो मोनेस्ट्री का रास्ता है, और आप इधर से आएंगे तो इधर से रूट बना हुआ है, पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है, और आगे की तरफ मोनेस्ट्री जाने के लिए रास्ता है। तो आप गेट की तरफ से आएंगे तो ऊपर की तरफ जाना है, मोनेस्ट्री है। और आज तो क्राउड बढ़ते जा रही है, नीचे मैं जहाँ कैंप लगा रहा था काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी लोग आ चुके हैं। अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर जाके दिखाते हैं आपको
कैसा क्राउड है, कैसा मोनेस्ट्री है, और वहाँ के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे हर एक चीज़ जो भी यहाँ के बारे में होगा। तो बने रहो आप हमारे साथ, जर्नी विद पुंजेश के साथ, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ से मेन मंदिर स्टार्ट होता है जाने के लिए रास्ता। ये एंट्री होता है एमएस मॉनेस्ट्री में। हेमिस मोनेस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये लद्दाख का सबसे अमीर मोनेस्ट्री है। आखिर क्यों? क्योंकि इस मोनेस्ट्री को जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था या मुग़ल शासन था, तब जब अंग्रेज लूट के गए हमारे देश को तब भी, और जब मुग़ल शासन था तब भी, तो ये मोनेस्ट्री एक्चुअली दो पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है, मतलब उसके बीच में है, जो कि आपको रास्ते पे से बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा ये मोनेस्ट्री, जिसके वजह से ना मुग़ल को पता चला ना अंग्रेज़ों को पता चला इस मोनेस्ट्री के बारे में, और यहाँ का जो खजाना था वो यहाँ ही रह गया, और यहाँ का वो खजाना लूट नहीं पाए। तो इसलिए यहाँ का जो भी संपत्ति था वो आज भी वैसे ही विराजमान है अपनी जगहों पर, तो इसलिए वो लोग इस जगह को लूट नहीं पाए। और आज हम आ पहुँचे हेमिस मोनेस्ट्री इसलिए क्योंकि साल के दो दिन 17 जून और 18 जून को यहाँ पे मनाया जाता है हेमिस मोनेस्ट्री का बहुत बड़ा फेस्टिवल, जो कि पद्म संभवा नाम के जो गुरु थे उनकी याद में। तो आइए चलिए लेके चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ, आज के कार्यक्रम की तरफ। होप सो आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा प्रोग्राम हेमिस मोनेस्ट्री का। तो अगर आपको ऊपर से चाहिए व्यू लेना है तो आपको 100 रुपये का टिकट मिलेगा, तो आप ऊपर से व्यू ले सकते हो। खैर हम नीचे ही ठीक है।
दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, पीछा पकड़ के रखे हैं दोनों। पदुम से पदुम नहीं, पूर्णे से छोड़ ही नहीं रहे, ये दोनों मेरा साथ नहीं छोड़ रहे। हमने नहीं छोड़ा ये, जहाँ जहाँ मैं पहुँच रहा हूँ उधर पहुँच जा रहे हैं दोनों। ये देखो नई दुल्हनिया को क्या करे, मोहब्बत है भाई। ओह थैंक यू सो मच। चला गिफ्ट नहीं संभाल पा रहे हो तो ये अनूप के तरफ से जो मेरे लिए, थैंक यू सो मच अनूप फॉर दिस, थैंक यू। सो आई विल पुट हियर इन माय बैग। Yeah, thank you. And we all three have one. तीनों के पास है? तीनों के पास। So we three have this. Yeah.
अभी हो गया लंच का टाइम। के बगल में अभी आए एक कैफ़े, काफ़ी भीड़ है, लाइन का पता नहीं चल रहा है और काफ़ी लोग ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है किसी को। तो आप जाके जब भी आओ तो खुद किचन तक चले जाओ। भाई जी ने किचन से जाके खाना उठा के ले गया। Thank you.
Thank you.
सब जा रहे हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। अभी कुछ मंत्र वगैरह हो रहा है तो उसके कुछ रुके भी हुए हैं। फाइनली काफ़ी अच्छा लगा, पूरे कल्चर को एक्सप्लोर करके फाइनली निकलते हैं बाहर और देखते हैं अगर कुछ आपको दिखाने लायक और कुछ एक्सप्लोर कराने लायक है तो ज़रूर दिखाएंगे। और कल भी होने वाला है प्रोग्राम, Thank you.